जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवत प्राप्ति की सबसे बढ़िया युक्ति यही है कि मैं भगवान का हूँ। मन बुद्धि प्रकृति के हैं, अतः मन बुद्धि ठीक नहीं है तो प्रकृति के ठीक नहीं है। मैं तो भगवान का हूँ। जैसे भगवान अविनाशी हैं, ऐसे ही मैं भी अविनाशी हूँ। जब भगवान नहीं मरते तो फिर मैं कैसे मरूंगा? इसलिए संतों ने कहा है, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाएं, अविनाशी का बालका किस विधि मारा जाए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, यह नाम जप से, भगवान के स्मरण से भी ऊंची बात है। यह असली भजन है। वास्तव में भक्त वही है जो भगवान का है। जो भगवान का होता है वह साधारण आदमी नहीं होता। संसार का आदमी साधारण होता है। पदार्थ और क्रिया का संबंध इस लोक से है, हमारा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। कोई काम करते समय यह सोच लो कि मैं भगवान का हूँ तो यह काम किस ढंग से करूँ। आपके मन में स्वतः स्फूर्णा हो जाएगी। आप सच्चे हृदय से भगवान को चाहोगे तो भगवान का भजन क्या करें, यह आपके मन में स्वतः आ जाएगा। भगवान मेरे हैं, यह प्रेम का जनक है। प्रेम त्याग तपस्या आदि साधनों से नहीं होता, प्रत्युत भगवान में अपनेपन से होता है। यह मार्मिक बात है। मेरे को तो व्याख्यान देते कई वर्ष हो गए, बाद में यह बात मालूम पड़ी, जो चीज़ अपनी होती है वह स्वतः प्रिय लगती है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, यह मामूली बात नहीं है। यह बहुत ऊंचा भजन है, इसके समान कोई साधन नहीं है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, यह पता लग गया तो अब हमारा दूसरा जन्म क्यों होगा? सबसे अंतिम सबका निचोड़ यह बात है कि अपने केवल भगवान हैं, उनके सिवाय कोई अपना नहीं है। भगवान सदा हमारे साथ में रहते हैं, उनके सिवाय कोई अन्य कोई भी सदा हमारे साथ में नहीं रहता। अगर यह बात आप स्वीकार कर लो तो बहुत लाभ की बात है। जो चीज़ मिल जाए और बिछुड़ जाए वह अपनी चीज नहीं होती, परंतु भगवान सदा ही मिले हुए रहते हैं, कभी बिछुड़ते नहीं। यह सब शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का सार है। इसलिए सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, सबकी सेवा करो, सबका आदर करो, सत्कार करो, पर हृदय से अपना मत मानो। हृदय से केवल भगवान को अपना मानो। दूसरों को अपना मानोगे तो एक दिन रोना पड़ेगा। सेवा करने के लिए तो सभी अपने हैं, पर अपने लिए लेने के लिए कोई अपना नहीं है। अपने लिए केवल भगवान अपने हैं। भगवान को आप सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि जैसा भी मानो, पर वे अपने हैं। यह आपको दुर्लभ और सार बात बताई है, जो हर एक जगह नहीं मिलती। यमराज के सामने भी कह दो कि मैं भगवान का हूँ तो यमराज भी थर्राएगा, कांपेगा। अगर आप भगवान के साथ संबंध स्वीकार कर लो तो आप में स्वाभाविक ही शुद्धि, पवित्रता आ जाएगी। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इतना कहने मात्र से आप में स्वतः पवित्रता आती है। हम भले ही कपूत हों पर हैं तो भगवान के ही। हमें केवल अपनी कपूताई मिटानी है, हमें केवल अपनी कपूताई मिटानी है। भगवान मेरे हैं, भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं। साधक को चाहिए किसी के साथ संबंध न जोड़े। पहले के जो संबंध हैं वे भी टूटते नहीं, फिर नया संबंध क्यों जोड़ो? संसार का संबंध ही बाधक है, यह बड़ी दुर्लभ बात है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही रखो, जिनके आप अंश हो। आप मानो या न मानो, जानो या न जानो, बिल्कुल भूल जाओ तो भी भगवान के साथ आपका संबंध कभी टूटेगा नहीं। आप भगवान के संबंध को स्वीकार करोगे तो दुख मिट जाएगा। मैंने जितनी पढ़ाई की है, पुस्तकें देखी हैं, विचार किया है, सबसे बढ़िया बात यह है कि हम भगवान के हैं। आप यह बात सदा के लिए मान लो कि मैं बिना मालिक का नहीं हूँ,
मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। खास अपनी बात, अपने घर की बात, अपनी व्यक्तिगत बात, अपनी खुद की बात, अपनी गहरी बात, अपनी इज्जत की बात, अपने लाभ की बात यह है कि हमारा संबंध भगवान के साथ है, हम भगवान के हैं। इसके समान बढ़िया बात कोई है ही नहीं। भगवान ने भी कहा है, जीव मात्र केवल मेरा ही अंश है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। आप लोगों से यह प्रार्थना है कि भगवान को अपना माने। केवल इस बात को आप मान लें, फिर आपका सुधार स्वतः स्वाभाविक होगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवत प्राप्ति की सबसे बढ़िया युक्ति यही है।